हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप? और मैं विनय गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल KGB साइंस इजी लर्निंग, जिसमें कि आप पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से और अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन को कर रहे हैं बिल्कुल बेस्ट तरीके से बच्चों। और आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा चलाई जा रही है एक MCQ सीरीज, जिसमें आज टर्न है क्लास 10 साइंस फिजिक्स लाइट चैप्टर का बच्चों, और आज टर्न है बच्चों पार्ट नंबर 7। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हैं आप। तो आइए, केस बेस्ड क्वेश्चन 1 to 5, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन। 4 नहीं, हमें 5 देने। भूमि जैन इज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट विद 4 डिफरेंट ऑप्टिकल मीडिया। शी ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया PQRS बिलो। ओके, अब इस क्वेश्चन को टफ डाल दीजिए और इम्पोर्टेंट डाल दीजिए, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, ढंग से सीखेंगे, कैसे आएगा बच्चों, इधर देखेंगे बच्चों। PQRS, अब आपको यहाँ पे एंगल आई, आपने देखा एंगल आई सब में सेम है, एंगल आई सेम और एंगल आर डिफरेंट है। क्लियर? पक्का? आपने पढ़ा हुआ है एन इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आप सीख पा रहे होंगे साई कौन, आई जब सेम है सबका तो आर पे डिपेंड करेगी, और आर पे डिपेंड करेगी मतलब आर और एन, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर? सबको आ रहा है? मतलब जिसका एंगल ऑफ आर, तो आपने सीखा बच्चों जिसका एंगल ऑफ आर, एंगल आर लेस म्यू या एन, एन लिख देता हूँ मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल आर लेस एन विल बी मोर, और एंगल आर मोर एन विल बी लेस। ये बात याद रखिए। तो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम P to S इट विल। अब देखिए पी का यहाँ पे देखिए पी है, पी का एंगल 50 है और यहाँ पे एंगल इसका 35 है। क्लियर? बोलो बच्चों, तो आप बताएंगे मुझे। अब याद रखना यहाँ पे एंगल आर क्या है बच्चों, 50 है, और यहाँ पे एंगल आर 35 है एस में, और यहाँ पे एंगल आर 50। तो किसका म्यू ज़्यादा होना चाहिए बताइए? पक्का? एन जो पी का होगा, एंगल आर मोर म्यू लेस, एन पी का होगा वो पक्का किससे कम होगा बच्चों, एन एस से कम होगा। पक्का? पी का एस से कम होगा। तो पक्का पी कैसा मीडियम हो गया बच्चों, जल्दी बोलिए, रेयरर। और एस कैसा मीडियम हो गया बच्चों, कैसा हो गया, डेंसर। तो जब लाइट रेयर टू डेंसर आएगी, तो लाइट बच्चों जब रेयर से डेंसर आती है, बहुत टफ क्वेश्चन है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। सॉरी, द आंसर इज बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, द करेक्ट आंसर इज डी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को ढंग से सीखना, एक कंसेप्ट को बॉक्स में डाल दीजिए कि जिसका एंगल आर ज़्यादा होगा, क्लियर, उसका म्यू कम होगा, जिसका एंगल आर कम होगा उसका म्यू ज़्यादा होगा। क्लियर? चलिए अगेन क्वेश्चन नंबर 2, ढंग से सीखना, वापस से वही कहानी, एंगल आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, या एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल आर, सही से लिखता हूँ, इधर देखिए ढंग से समझना, एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल आर। अब सबसे जिसका एंगल आर सबसे मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी होगी जो मोस्ट डेंसर मीडियम होगा। मोस्ट डेंसर मीडियम बच्चों वो होगा जिसका एन सबसे हाई होगा, हाईएस्ट, और हाईएस्ट वो होगा जिसका आर सबसे लीस्ट होगा, एंगल आर, है ना, ये रिलेशन आ गया। सबको आ रहा है? बोलिए। भूमि जैन पक्का आया बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब एंगल आर लीस्ट किसका है, एंगल आर लीस्ट है इसका एस का, तो एन सबसे हाईएस्ट होगा,
ओके, तो द करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी दैट इज सी एस इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, डाल दीजिए. क्लियर, सबको आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड. कंसेप्ट वो ही रहेगा, विल स्पीड ऑफ लाइट बी मैक्सिमम. क्लियर, आइए ढंग से देखना. जिसका एन ज़्यादा होगा उसका एंगल आर कम होगा, पक्का एंगल आर, और एन जो होता है स्पीड के इन्वर्सली होता है ना. तो दिस इज वन अपॉन वी. क्लियर, तो क्या सीखा आपने? जिसका एंगल आर हाई उसका एन लो और स्पीड मोर. क्लियर, ए लाइन हो गई. क्लियर, तो वी और आर एक दूसरे के क्या हो गए बच्चों? डायरेक्टली हो गए. तो किस में आपको एंगल आर ज़्यादा देख रहा है? स्पीड ऑफ लाइट किस में ज़्यादा होगी? जिसका म्यू सबसे कम होगा. सबसे कम म्यू किसका देख रहा है आपको? पी वाले का. तो पी वाले में स्पीड सबसे ज़्यादा होगी. द करेक्ट आंसर इज डी. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, सबको आ रहा है पक्का. चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया इज मैक्सिमम इन कॉमन सेंस म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल आर. सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा होगा? ओके, जिसका एंगल आर सबसे कम होगा. एंगल आर सबसे कम किसका दिख रहा है? एस का. तो द करेक्ट आंसर इज एस. एस का कितना है? 35 डिग्री. सबको आया बच्चों? पक्का बोलिए. चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. विच इज करेक्ट अबाउट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. तो अभी मैंने क्या बोला कि एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल आर. तो भैया क्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पी से कम होगा. क्यू का पी से कम होगा भैया. क्यू का कम है तो एन क्या होगा? ज़्यादा होगा. तो ये तो गलत हो गया. आइए दूसरा. आर इक्वल टू क्यू. क्या आर और क्यू का एन सेम होगा? नो, दोनों के एंगल अलग अलग हैं. तो आर और क्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल भी नहीं होगा. अब आइए पी का इक्वल टू आर. पी और आर का इक्वल नहीं. अब बचा आपका कि पी का लेस देन एस से. कॉमन सेंस पी का 50 है, एस का 35 है. जिसका आर कम होगा उसका क्या ज़्यादा होगा बच्चों? बताइए. म्यू ज़्यादा होगा. क्लियर बोलो. नहीं आया तो म्यू एन एस इज ग्रेटर देन एन पी. द करेक्ट आंसर इज सी. सबको आ गया बच्चों? बहुत टफ क्वेश्चन हम कर रहे थे तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा था? एस का. क्लियर, स्पीड ऑफ लाइट जिसमें रिफ्रैक्ट सबसे कम होगा उसका ज़्यादा होगा. पी का विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी. जिसका म्यू ज़्यादा होता है उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी, दैट इज एस का. और ये दिस इज द टफ क्वेश्चन. सबको समझ में आ गया होगा? ढंग से इसे एक बार और वॉच करें जिससे आपको क्लियर हो जाए. सबको आ गया कि नहीं आ गया मेरे बच्चों? जल्दी बोल दो. कभी नहीं आता आपको ये पेपर में आता तो. अब आपको 100% आ गया होगा पक्का. चलिए नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन 6-10. द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ट और डाइवर्ट द लाइट रेट डिपेंड ऑन इट्स फोकल लेंथ. क्लियर, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ शॉर्ट लार्ज एंगल बाय फोकसिंग देम क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर. क्लियर, कॉन्केव लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ कॉजेज हायर डाइवर्जेंस. सीधा सीधा है, कॉन्केव डाइवर्जेंट लेंस. क्लियर, और कॉन्वेक्स कौन सा होता है? कन्वर्जिंग. सबको पता होगा ए पावर जो डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग की होती है दैट इज पावर ऑफ लेंस, और किसके रेसिप्रोकल होती है? फोकल लेंथ के. पावर ऑफ लेंस की यूनिट डायप्टर होती है, डी से डिनोट करते हैं. क्लियर, 1D इक्वल्स टू 1 मीटर इनवर्स. ये इंपॉर्टेंट डाल देना, एक नंबर का क्वेश्चन आता है.
क्लियर। तो चलिए, द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। आइए, सबको पता है। तो क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस। याद रखिए, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस, याद रखिए। अगर मिरर के बारे में पूछता तो कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर। क्लियर। तो द आंसर इज कॉन्वेक्स लेंस, सी इज द आंसर। सबका सही होगा, सबको आ रहा होगा, पक्का पक्का आ रहा है। बोलिए, बोला करिए, अम्मा अम्मा बोलिए, पक्का सबको आता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज प्लस 40 सेंटीमीटर। द पावर ऑफ लेंस, अच्छी तरह देखना, आपने पढ़ा होगा फोकल लेंथ दिया हुआ है प्लस 40, पावर हमें निकालना है, पावर इक्वल्स टू 1/f, f मीटर में होना चाहिए, या 100/f, f किस में होना चाहिए? सेंटीमीटर में। पावर निकालना 100/f, f f प्लस 40, कितना आ जाएगा बच्चों? कौन सा लेंस है भाई? जब प्लस है तो प्लस में ही आंसर आएगा ना, बिल्कुल। तो 100/40, द पावर ऑफ लेंस इज, तो भैया ये प्लस का 2.5 डायप्टर आएगा, और इसमें कोई आंसर दिया नहीं है। सही सही सबको आ रहा है, गलत दिया हुआ है, तो इसे प्लस का कर दीजिए तो ये सही हो जाएगा, नहीं तो फिर कोई ऑप्शन टिक नहीं लगेगा। सबको आया बच्चों? पक्का आ गया? गुड क्वेश्चन, इजी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, आपको पता होना चाहिए पावर ऑफ लेंस 1/f इन मीटर, और पावर ऑफ लेंस की एसआई यूनिट होती है डायप्टर, जिसे हम डी से लिखते हैं। याद रखिए, 1d इक्वल्स टू 1m-1। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, द आंसर इज डी। सबको आ गया? पक्का आ रहा है? बोलिए, पक्का आ रहा है बच्चों? चलिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द पावर ऑफ डाइवर्जिंग लेंस इज 2d, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज, पावर दी हुई है डाइवर्जिंग लेंस की, पावर डाइवर्जिंग लेंस माइनस में होती है 2d, फोकल लेंथ निकालनी है तो 1/p, ओके, या 100/p, 100 में निकालेंगे सेंटीमीटर में आएगा, तो 100/2 माइनस का f इक्वल्स टू -50 सेंटीमीटर। अब -50 सेंटीमीटर एक ही आंसर दिया हुआ है, दैट इज द करेक्ट आंसर इज b। सबको आ गया? गुड क्वेश्चन, पक्का पेपर में आता है। सबको आ रहा है? पक्का आ रहा है ना? जो नहीं पढ़ रहे हैं ना, उनको कुछ नहीं आएगा, पेपर में एक क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे आप, और ये पेपर में जरूर आएंगे, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, पक्का 100%। अपने टारगेट को अच्छा रखिए, जिससे लाइफ अच्छी तरह से हटो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, इफ द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ और टू कॉन्वेक्स लेंस इज 1:5, देन वाट इज द रेशियो ऑफ देयर पावर। कॉमन सेंस है, पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। जब फोकल लेंथ का रेशियो है f1:f2, कितना है? 1:5, तो p1:p2 उल्टा हो जाएगा, 5:1। क्लियर, द आंसर इज सी। सबको आ गया बच्चों? पक्का, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पक्का। चलिए, आ रहा है ना सबको? ढंग से आ रहा है ना? अभिषेक, खूब सारा पढ़ा करिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11-15, केस बेस्ड क्वेश्चन। चलिए, इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज चेंज, द साइज ऑफ द इमेज चेंज। सबको पता है, जब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर देंगे, मिरर का साइज भी, इमेज का साइज भी चेंज हो जाएगा।
क्लियर। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द इमेज टू लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, और एम का फॉर्मूला ए रहा, एम इक्वल्स टू आई अपॉन ओ इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन यू। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? तो बच्चों याद रखिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन एज पॉजिटिव एज द ऑब्जेक्ट इज यूजुअली प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। सबको पता होगा साइन कन्वेंशन, और इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल, ओके, एंड नेगेटिव फॉर रियल इमेज। नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट दैट इमेज इज रियल, अ पॉजिटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट दैट इमेज इज वर्चुअल। ये साइन कन्वेंशन मैंने आपको बहुत अच्छी तरह सिखाए हैं और सारे बच्चों को आते होंगे, क्लियर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इज टू। तो बच्चों मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 2 और ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज 5 दिया हुआ है, साइज ऑफ इमेज निकालना है, एम इक्वल्स टू आई अपॉन ओ 2 आई ओ 5 आई इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब इससे जी क्या पूछेगा आपसे, द करेक्ट चॉइस इज डी। सबको आ रहा है? लक्ष्य गुप्ता बोला करिए, खुशी गुप्ता बोला करिए, नहीं बोलेंगे तो समझ में कम आएगा। के जी की तरह पढ़ाई नहीं हो रही, अब टेंथ में आ गए अब हम, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे बच्चों। अ कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। इफ द साइज ऑफ द इमेज इज ट्वाइस ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट देन द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट डिस्टेंस। ओके, अब देख लीजिए, क्लियर। इमेज विल बी फॉर्म्ड, कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बना रहा है ना, वर्चुअल इमेज के लिए, और इमेज का ट्वाइस, तो एम इक्वल्स टू हो गया प्लस 2 प्लस वर्चुअल के लिए 2 ट्वाइस, और वर्चुअल ऑफ ऑब्जेक्ट यू दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमें वी निकालना है, इजी पीजी क्वेश्चन खत्म। माइनस बी अपॉन यू, एम इक्वल्स टू, एम की जगह दिया हुआ है कितना, प्लस 2, माइनस वी निकालना है, यू की जगह -20, वी इक्वल्स टू -40 सेंटीमीटर। क्लियर। कैसे, कौन के मिरर फॉर्म्स ऑफ वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस यू 20 इफ द साइज ऑफ द इमेज इज ट्वाइस ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एम प्लस 2 हो गया, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस, है ना। तो भैया प्लस का आएगा ना, माइनस माइनस तो कट गया। अब मैं क्यों रीचेक कर रहा था पता है, क्योंकि वर्चुअल इमेज मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज के लिए वी हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। सबको आ गया? द आंसर इज 40 सेंटीमीटर। सबको सही था, सबने किया। आर्यन पंडित जी, वेदांश पारस, वैभव, विवेक, आ रहा है बच्चों, क्लियर। चलिए रेयर्स कुलश्रेष्ठ, मार्क्स बहुत अच्छे आने चाहिए आपके बच्चा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज -2। अब एम -2 दिया हुआ है, माइनस मतलब रियल, इन्वर्टेड टू लार्जर। रेयर इमेज आंख बंद करके केवल एक ही मिरर बनाता है, दैट इज कॉनकेव मिरर। आंख बंद करके लगाना है, खोल के तो सब लगा लेंगे। और द आंसर इज डी। सबको आ गया बच्चों? पक्का? नियति सामा, बहुत अच्छी तरह से टारगेट अचीव करना है बेटा। वर्तिका, हैरिका, आर्ची, अनुष्का, समझ में आया बेटा? पक्का? परी वशिष्ठ, परी शर्मा, काकुल करना, मार्क्स में दम करनी है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर प्लेस एट
डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर कौन के मतलब फोकल लेंथ 10 सेंट। आँख बंद करके, क्योंकि देखिए फोकल लेंथ दिया हुआ है -10 और यू दिया हुआ है -20। अब इसमें आपको न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं करना है, कौन सी ट्रिक लगानी है, VSM ट्रिक लगानी है। VSM ट्रिक क्या कहती है, जब ऑब्जेक्ट एट सी रखा हो तो इमेज साइज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट साइज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। अरे सबको आ रहा है मेरे बच्चों, तो बस ख़त्म। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 तो भी 20 होना चाहिए माइनस का, और इमेज डिस्टेंस कितनी है, इमेज की हाइट 5, ऑब्जेक्ट हाइट भी 5 होनी चाहिए माइनस में। द करेक्ट आंसर इज दिस डी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर आ रहा है 100% बोर्ड एग्जाम में। सबको आ गया पक्का? चलिए देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया ना, तुरंत टिक 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 टिक। 15, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर 1/2। देखिए इन क्वेश्चंस को जल्दी जरूर समझिए। 1 मतलब वर्चुअल, प्लस मतलब वर्चुअल इंटरैक्ट, 2 मतलब छोटा। VD बना रहा है और आपको पता है VD कौन सा मिरर होता है, कॉनवेक्स मिरर। अगर लेंस होता तो कौन सा लेंस होता, कॉनकेव लेंस। अब जो भी पूछे आप बता देंगे, बोलो बच्चों। तो और कैसी इमेज है, वर्चुअल इलेक्ट्रोडिमनेस, वर्चुअल इलेक्ट्रोडिमनेस। द आंसर इज डी। सबको आ गया? सॉरी पक्का आ रहा है ना, सबको ढंग से आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ गए, बहुत अच्छे क्वेश्चन से पावर ऐड हो गई है, पावर के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं जो पेपर में जरूर आते हैं। क्लियर? द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 4D, पावर प्लस 4D। प्लस क्यों लिखा बिना सर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस था। फोकल लेंथ निकालनी है, इजी क्वेश्चन है। एफ इक्वल्स टू मीटर में दिया है तो 1/P, 1/+4, एफ 0.25 मीटर। सबको आया? द करेक्ट आंसर इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ईजी पीजी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, EPIQ। क्लियर? पक्का? चलिए नेक्स्ट, टू लेंस ऑफ पावर 1/2D एंड 0.3D। ओके अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर? आर इन कॉन्टेक्ट टू ईच अदर, देयर कंबाइंड पावर विल बी। तो आपको पता है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला P=P1+P2P, है ना, दैट इज 1/2D मतलब 0.5D, P2 -0.3D, P=- का आ जाएगा, प्लस का आएगा, 0.5 में से 0.3, 0.2D। अब यहाँ पे आंसर तो आ गया 0.2D, बट हमसे ये भी पूछ सकते थे वेव किसकी तरह करेगा, तो कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। सबको आया? द करेक्ट आंसर इज 0.2D। पक्का आ गया मेरे बच्चों? इजी क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 100% आप पेपर में ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। बताना है कौन सा डायग्राम सही है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से जब भी रे आती हैं तो फोकस से अपीयर्ड होती हैं, डाइवर्ज होती हुई। दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, द करेक्ट आंसर इज बी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स कंसिस्ट ऑफ अ लेंस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर लेंसेज। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज कहाँ कहाँ पे काम आते हैं ये पूछ रहा है वो। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, कैमरा में। कैमरा में आपने देखा वो जूम वगैरह के लेंस आते हैं आजकल, है ना, जूमिंग लेंस वगैरह, तो कॉम्बिनेशन होता है। द करेक्ट आंसर इज डी। सबको आ गया? पक्का? पक्का आ गया बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन, डाल दीजिए, इजी क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा क्वेश्चन आ गया है।
The focal length of two lenses in contact to each other are 22 and 15 combined power. बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जरूर आ सकता है. सुनिए, हमें फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ का, वन अपॉन एफ, वन अपॉन एफ वन, वन अपॉन एफ टू. वन अपॉन एफ, वन अपॉन 20, वन अपॉन 50. एलसीएम लेंगे, दैट इज 50, 20, 100. 5 प्लस 2, दैट इज 7 अपॉन 100. एफ इक्वल्स टू 100 अपॉन 7 सेंटीमीटर. क्लियर? अब 100 अपॉन सेंटीमीटर आ गया, तो पावर इक्वल्स टू 100 अपॉन एफ सेंटीमीटर में. तो पावर 100 अपॉन एफ कितना है? 100 ऊपर जाएगा 7, 100 से 100 कट जाएगा, पी इक्वल्स टू 70, और आंसर आ गया प्लस का. सबको आ गया, द करेक्ट चॉइस इज ए. सॉरी, दो दोनों पर टिक लग गया. क्लियर? 70 इज द आंसर. और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, मुझे लगता है 100% पेपर में ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आएगा. क्लियर? पक्का बोलिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. आदित्य भाई प्लेस्ड अ जूस बोतल एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर विच हैज अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. वेयर इज द इमेज लाइकली टू फॉर्म? याद रखिए, कॉन्वेक्स मिरर जब इमेज बनती है, सारी इमेज उसकी पोल, फोकस, सेंटर कर्वेचर और ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ. ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 20 पे, कोई टेंशन नहीं. पैरेलल बोला करिए, आप नहीं बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा. ये गई और दिस इज क्लियर, इमेज बन गई यहाँ पे. अब पक्का फोकल लेंथ 20 है तो आंख बंद करके सीधा सीधा 20 से कम पे बनेगी, है ना. और एट फोकस बैंड द मिरर तो नहीं बनेगी, एट फोकस इन फ्रंट ऑफ द मिरर नहीं बनेगी, एट अ डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर नहीं बनेगी. आराम से समझ में आ गया. डायग्राम बनाने की जरूरत इसलिए थी जिससे आप कंफर्म करके इस क्वेश्चन को कर पाए. सबको आया? गुड क्वेश्चन डाल दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, बच्चे को कंफर्म होगा तभी कर पाएगा. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22. इन मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स द लेंसेज आर कम्बाइंड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन. क्यों हम लेंसेज कम्बाइंड करते हैं? समझ में आ रहा है? लेंसेज को क्यों कम्बाइंड किया जाता है? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, लेंसेज मैग्निफिकेशन बढ़ाने के काम आते हैं और शार्पनेस बढ़ाने के काम आते हैं. दोनों काम आते हैं, ए भी सही है, बी भी सही है, तो बोथ ए एंड बी इज द आंसर. समझ में आया? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का क्वेश्चन है, अच्छी तरह से सबको आना चाहिए. प्रतीक नौवार, पार्थ रहेजा, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, मार्क्स भी बहुत अच्छे आने चाहिए. क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 23. ओके, गुड क्वेश्चन. चलिए देखते हैं कौन कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है. मैं टाइम दे रहा हूं. अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द बॉक्स थ्रू द होल्स. क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? ऑन वन साइड इमर्ज आउट. देखिए प्लेट तो है नहीं, कहीं से प्लेट तो डेविएट होती है, प्रिज्म है नहीं. अब लड़ाई हो रही है कॉन्वेक्स और कॉनकेव. अगर मैं इस डायग्राम को कंप्लीट करूँ ना, अगर आप देखें तो चलिए कॉन्वेक्स को लेके चलते हैं. रे आई पैरेलल और जे गई. अब आपको दिख रहा होगा फर्स्ट ऐसे आई. क्लियर? अरे रुक जा, ऐसे और ऐसे जा रही है, देख रही ना, सेम. बोला करिए. इसी तरह अगर सेवन से निकाले हम तो ऐसे जाएगी,
सेवन दिस दिस और दिस। तो पक्का एक कौन सा लेंस हो गया बच्चों, कॉनवेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ओके कन्वर्जिंग लेंस, और सारी लाइट कन्वर्ज होती हुई भी दिख रही है आपको एक पॉइंट पे। क्लियर, पक्का हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम्स में आया है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। द इमेज रिप्रेजेंट द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर, वेयर इज द इमेज मोस्ट लाइकली टू फॉर्म। जब आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया बिटवीन एफ एंड 2F, ओके, तो इमेज बनेगी बच्चों बियॉन्ड 2F, फिक्स है ना, ट्रिक याद होंगी आपको। तो बच्चों क्या P पे इमेज बनेगी, तो ये कट गया P वाला। Q पे इमेज बनेगी, ये कट गया। R पे बनेगी, F पे नहीं बनेगी। कितना अच्छा क्वेश्चन था, S पे बनेगी। वेरी 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये आएगा नहीं पेपर में, इम्पोर्टेंट डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स का। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। अगर पूछता कैसी इमेज बनेगी, तो रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड रिम। क्लियर, सबको आ गया बच्चों, पक्का। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 25। परी वशिष्ठ, परी शर्मा, ओके द सर्टेन नेम्स। परी कंडक्ट्स एन एक्सपेरिमेंट टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन विच इज प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। सी यूजेज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। वेयर शुड सी प्लेस द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द शार्पेस्ट इमेज, 60 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। चलिए ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि परी परी के नाम आ गए, और परी परी के सारे बच्चे करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए, और नहीं आए तो आप मुझसे दोबारा पूछिए, मैं पक्का इस क्वेश्चन को करूँगा, बट पहले एक बार खुद करिए आप। क्लियर, सबको आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। ओके पेंसिल टेढ़ी दिख रही है आपको, और पेंसिल टेढ़ी बाद में लिखेंगे, पहले तो हम लिख देंगे किसकी वजह से ऐसा होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। अब सम मटेरियल एब्जॉर्ब लाइट भी, नो सम मटेरियल रिफ्रैक्टेड बाय सम मटेरियल रिफ्रैक्टेड लाइट, लाइट वेव्स आर सम मटेरियल रिफ्रैक्टेड बाय सम मटेरियल, क्या लिखा है, लाइट वेव्स आर रिफ्रैक्टेड बाय सम मटेरियल, दिस इज द आंसर, द करेक्ट चॉइस इज सी। ओके सबको आ गया, इजी क्वेश्चन है, पेपर में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। असर्शन एंड रीजन है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर, बिल्कुल सही है। ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। आर कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स इन्वर्टेड इमेज, नो भैया नो, आपको बता दूं आर गलत है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। तो ए सही आर गलत, और ए सही आर गलत, द करेक्ट आंसर इज सी। किस किस का सही था मुझसे पहले, जल्दी बोलिए, किस किस का सही था मुझसे पहले जल्दी से बता दीजिए, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। पक्का रहा बच्चों, पक्का। क्वेश्चन नंबर 28। एक और ए आर आ गया, मैग्निफिकेशन ऑफ रियल इमेज इज टेकन नेगेटिव, एम नेगेटिव होता है रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए, तो ए तो सही कह रहा है, ए इज राइट। मैग्निफिकेशन रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद माइनस साइन और होता है एम इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन यू, अगर मिरर की बात करेगा तो। क्लियर, तो इसलिए आर गलत, ए सही आर गलत। क्लियर, पक्का। एम इक्वल्स टू आपको पता हो आई अपॉन ओ होता है,
तो इसलिए ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, द करेक्ट चॉइस इज सी। पक्का आ रहा है, बोलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस हैज पावर 5d। इफ द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 4d। ओ माय गॉड, इतना अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सब करेंगे। इधर हमें दिया हुआ है p1 + p2, p1 कॉन्वेक्स कॉन्केव, तो 5 = p1 कॉन्केव है, बोलो कॉन्केव, तो हमें पता नहीं कॉन्वेक्स की दी हुई है, तो p1 निकालना है और कॉन्वेक्स की दी हुई है हमें 4d, तो पक्का p1 कितना आ जाएगा बच्चों आपका? सबको आ रहा है? कॉन्वेक्स की 4 दे दी, टोटल की 5 है, पक्का आ रहा है ना सबको? वन आ जाएगा, 1 diopter। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव f = 100/p 100/1, f = क्या आ जाएगा बच्चों? 100 cm। वैसे तो आंसर माइनस का आना चाहिए था भाई, है ना, माइनस का आना चाहिए था, क्लियर? ओके, 100 cm द करेक्ट आंसर इज दिस सी। सबको आ गया? चलिए सी पे टिक लगाना, डी पे लग गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। ओके, पावर के क्वेश्चन है आज सारे, देखते हैं कौन कौन करता है प्यारे, जिसको मार्क्स लगते हैं नारे न्यारे, वो पढ़ाई से कभी ना करे इनकार रे। ओके, तो चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, फोकल लेंथ निकालनी है, पावर दी हुई है ना, तो p = p1 + p2, p2 + 3 दैट इज 5d, क्लियर? फोकल लेंथ निकालनी है तो f = 100/p 100/5, f = 20 cm। सबको आ गया? इजी क्वेश्चन है बट पेपर में जरूर आएगा, वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाल दीजिए इस क्वेश्चन को। सबको आया? पक्का 100% आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 31। द प्रोजेक्शन लेंस ऑफ प्रोजेक्टर हैज फोकल लेंथ 5 cm। इट इज डिजायर टू गेट एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन 30 द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द लेंस। ओके, फोकल लेंथ दी हुई है, प्रोजेक्टर लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, f = +5 cm, मैग्निफिकेशन 30 cm, क्लियर? बोलो। तो बच्चों, इट इज डिजायर टू गेट एन इमेज विद अ मैग्निफिकेशन 30 द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द लेंस, मतलब वी निकालना है, तो पहले m = v/u 30 नॉट सेंटीमीटर 30 v = 30 u, क्लियर? बोलो समझ में आ रहा है सबको? सबको आ रहा है बच्चों? 30 u आ गया, तो बच्चों क्या करेंगे, 1/f 1/v - 1/u f 5 v 30 u - u 5 LCM 30 u, ये कितना आया बच्चों? 1, और ये कितना आया? 30, तो 30, क्लियर? 30 u = 29
बोलो 29 × 5 कितना आ रहा है बताओ, डिवाइड कर मल्टीप्लाई करके। तो U इक्वल्स टू सॉल्व करिए, चलिए आप जल्दी से करिए, डिवाइड करके आंसर्स निकालना है आपको। सबको आ तो रहा है ना, क्लियर पक्का ठीक, सॉल्व कर लेना, ढंग से आना चाहिए सबको। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। अ कैंडल प्लेस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ स्क्रीन, प्लेस 75 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। पक्का कॉन्वेक्स लेंस होगा। द फोकल लेंथ एंड टाइप ऑफ द लेंस, कैंडल प्लेस यू -25 सेंटीमीटर, ओके फॉर्म्स एन इमेज ऑन स्क्रीन प्लेस्ड 75, तो वी हो गया +75, 1/, फोकल लेंथ निकालनी है 1/f, 1/v -1/u, तो 1/v, वी कितना है भैया 75 माइनस 1/u, u -25, एलसीएम 75, 1 -+3, तो आपका आ जाएगा F इक्वल्स टू 75/4, तो बच्चों प्लस का आएगा 18.75 सेंटीमीटर, और प्लस का आ रहा है तो कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस। सबको आ गया, द करेक्ट आंसर इज ए, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। सबको आ गया बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर दिस। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर कॉन्टेक्ट विद अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, है ना। तो भैया मेरे ओ लाला लालियो, आइए 1/f, 1/f1, 1/f2, 1/f कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 40 और कॉन्केव की -25, सॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज एलसीएम आ जाएगा 40 और 25 का एलसीएम कितना आएगा, 100 तो नहीं, 200 ले लो, चलो दैट इज 45 जा और 25 8 जा, तो एफ इक्वल्स टू 200/3 माइनस का ये आ गया सेंटीमीटर, क्लियर एफ। सबको आ रहा है, अब हमें पावर निकालनी है 100/f, f 100, f कितना है -200 ऊपर 3 ये कट गया, तो p इक्वल्स टू -1.5d। सबको आ गया बच्चों 1.5d, द करेक्ट आंसर इज d। ओके बहुत अच्छी तरह से डाल दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके सबको आ गया, पावर निकालना था ना कॉम्बिनेशन का, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 1.2 एंड 1.5, रिफ्रैक्टिव ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, एन जी डब्ल्यू, इजी क्वेश्चन, एन जी अपॉन एन डब्ल्यू, एन जी 1.5/1.2, सॉल्व कर लीजिए, 1.5 में 1.2 का डिवाइड आता है आपको, 1.5 में 1.2 का डिवाइड आता है ना, तो कर लीजिए बस ख़त्म हो गया, ये तो बहुत आसान था यार, इजी क्वेश्चन था, 1.5 डिवाइड बाय 1.2, 1.25 इज द आंसर, क्लियर। अब एन जी डब्ल्यू आंसर इज बी,
पक्का आ गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस एफ इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। ओके, एफ पे रखा हुआ है, फोकल लेंथ भी एफ है, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है तो पक्का ये डायग्राम क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और जब देखिए फोकस पे रखो, कहीं भी रखो, आपका इमेज जो बनती है ऐसे, दिस इज एफ और दिस इज दिस सी, तो पक्का डिस्टेंस एफ और पी के बीच में होगी, एफ बाई टू कह सकते हैं, द करेक्ट आंसर इज सी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर और पक्का ही पेपर में आ सकता है। सबको आ गया बच्चों, पक्का आ गया, पक्का आ गया। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे आज के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरह से 36 और है अभी। अ कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस -3, -3 का मतलब आर आई और थ्री, माइनस का मतलब आर आई और थ्री का मतलब लार्जर, रियल केवल और केवल रियल बना रहा है, रियल इन्वर्टेड और लार्जर इमेज, रियल इन्वर्टेड और लार्जर इमेज कब बनती है, वैसे तो फोकस पर ही बनती है, बट मैंने बोला जब बिटवीन एफ और सी, क्लियर, ऑब्जेक्ट रखा होगा रियल इन्वर्टेड और लार्जर, द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आ गया भावेश, आ रहा है बच्चों, पक्का, वेरी गुड। चल तो बच्चों इस तरह से हमने आज 36 क्वेश्चंस किए, आज पावर के बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, सबको समझ में आ गए होंगे, ढंग से करने हैं, ढंग से पढ़ना है, दम से करना है, क्लियर। आज आपका सरप्राइज, मैं आपको बताना है कि AMA कहाँ था, किधर था, सबको आ गया होगा पक्का। ओके ठीक, और 100% क्वेश्चंस आपको करने होंगे, तो पक्का जरूर पेपर में आएंगे। ओके बच्चों, बोलो बाबा माँ की जय, खूब सारा पढ़िए, खूब सारा मार्क्स लाइए और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए। ओके बाय बाय बच्चों।